कबाब, बिरयानी, जिंगर ना, तो हमारा ज़्यादातर इनका फोकस ये होता है कि मज़ेदार हलीमी आए, क्योंकि इनकी प्राइजेज बहुत ही रीज़नेबल होती हैं। चूँकि पेपर भी हैं, हमारे बच्चे हैं, तैयब हैं, मानूर हैं, यहाँ पे आके हम यहाँ पे खुद आते हैं, हर हफ्ते वीकेंड पे आते हैं, चाय वगैरह खाना वगैरह सब यहीं से खाते हैं। और यहाँ पर देखें आपको मिलेगी कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको चिकन कढ़ाइयाँ मिलती हैं। देखिए भाई, ये भी चिकन कढ़ाइयाँ लगी हुई है, और अभी जैसे जैसे अभी आपको यहाँ पर जब बाहर रोडों पे आपको रौनक नज़र आ जाएगी, समझो शहरी का टाइम हो जाएगा, क्योंकि अक्सर कराची के अंदर आपको पता है गैस तो होती नहीं है, और इसलिए लोग ज़्यादातर रुख करते हैं रेस्टोरेंट का, रुख करते हैं। क्योंकि यहाँ पर भाई के हाथ में भाई क्या चीज़ है भाई? ये जिंगर बर्गर है। जिंगर दिखाओ जरा लगा के, कैसे लगता है? वाह डाले, अच्छा जिंगर ऐसे बनता है जी। ये देखें भाई, ये बीफ बर्गर और चिकन बर्गर तैयार हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये दबा रहे ताकि सही से पक जाए। अच्छा, ताकि कच्चा ना रहे, अंदर से कच्चा ना रह जाए। क्या बात है, ये देखें भाई ये तैयार हो गया है। बाद हमने चाय पी, यहाँ की चाय बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है खाना। ऑफ कोर्स अच्छा है, सिर्फ इसीलिए आते हैं, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। मजेदार हलीम का 1500 रुपए फुल चर्ग है। कितने बंदे खा सकते हैं इसमें? 4 बंदे आराम से सर खा। मजेदार हलीम के जो ओनर हैं और हनीफ भाई, हनीफ भाई माशाल्लाह रमजान आती है जैसे ही और इस समनाबाद की रौनक के बहाल हो जाती हैं। हमने देखा है यहाँ पर तो वैसे भी रश रहता है, लेकिन रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही खासियत बढ़ जाती है, तो उसके क्या क्या कहेंगे इस बारे में? जायका खींच लाता है या फिर कुदरती माहौल है? ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसका करम है रब्बुल आलमीन का, कि रमज़ान में जो है, रमज़ान तो वैसे ही बरकतों का महीना है माशाल्लाह, और लोग मतलब रोज़ा रखते हैं, तो हमारे यहाँ इफ्तार भी करते हैं लोग, और इफ्तार में ख़ास तौर से हलीम का जो है कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लोग इफ्तार में जो है हलीम से इफ्तार करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह शहरी में जो है उसके लिए बाकायदा नहारी का इंतज़ाम होता है, और नहारी ज़्यादातर जो अच्छा, है शहरी में आप नहारी भी देते हैं? नहारी में मतलब आज इत्तफाक है कि नहारी हमारी जल्दी ख़त्म हो गई। अच्छा ख़त्म हो गई है? हाँ, वरना ये है कि शहरी में 4 बजे तक नहारी का होता है तमाम। अच्छा मुझे बताया भाई, कब से ये सफ़र स्टार्ट किया था, शॉर्ट में बताएं? देखिए ये तकरीबन 40 साल हो गए मुझे, ये 26 अक्टूबर बरोज जुम्मे का दिन, छोटी दुकान से शुरू किया, 1984 में मैं यहाँ ठेले पे हलीम लगाता था, ठेले पे हलीम लगाते थे। 3 साल मैंने ठेले पे हलीम लगाई, उसके बाद एक शॉप ले ली जयपुर लगा हुआ रोटी का, यहाँ मेरी एक शॉप होती थी पहले, उसके बाद हमने एक छोटी अंदर मतलब पीछे की जगह ली, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज अल्लाह ताला का शुक्र है ये 5 प्लाट 120 गज के हैं, जो कि 600 गज पे वही थे, 6 प्लाट ले लिए हैं। और मेन चीज़ ये थी कि मज़े की बात ये है कि इन्होंने अपना रेट भी एक मुनासिब रखा हुआ है, जो आप कहीं पर भी जाएँ जिंगर ले लें, इनका आप बर्गर ले लें या हलीम ले लें, नॉर्मल रेट है, ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में आएंगे तो आपको यहाँ रेट ज़्यादा मिलेगा। तो मज़ीद आप आपको कुछ खा के भी दिखाते हैं। ये है मज़ेदार हलीम की सहरी, ये देखिए माशाल्लाह, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इनकी कढ़ाई, और कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, ये देखिए भाई, ये देखिए कढ़ाई है, और कढ़ाई के बिल्कुल बराबर में आपको मिलेगा ये मज़ेदार किस्म का इनका है आलू गोश्त। ये देखें, चेक करें ज़रा यहाँ पर, देखें आलू गोश्त है माशाल्लाह ये, और आलू गोश्त के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये है मलाई बोटी। ओहो वाह क्या बात है भाई, ये देखिए मलाई बोटी है, और यहाँ से उठाएंगे हम रोटी, और ये देखिए ये रोटी है ज़बरदस्त किस्म की। सबसे पहले ट्राई करते हैं माशाल्लाह इस कढ़ाई को, क्योंकि हमेशा आपको पता है समनाबाद पर हलीम बड़ी शानदार है, लेकिन इनके खाने बड़े बहुत प्यारे हैं। भाई कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है, मतलब नॉर्मल कढ़ाई जो आपको बड़े रेस्टोरेंट में मिलती है ना, वही सेम जायका यहाँ पर भी है। अगर हम बात करते हैं इनकी मलाई बोटी की, ये देखें भाई बोटी को आप चेक करें, ये देखें ऐसे गल रही है जैसे तो उसको बिल्कुल उबाल दिया है, ये देखें VIP है, हर चीज़ इनकी शानदार है। अब एक रह गया है आपका ये आलू गोश्त, अगर मैं आलू गोश्त की ट्राई करूं, हलीम आपको दिखाएंगे कि खा के हलीम कैसी है, आपने अगर खाई हो तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ हलीम खाने भी। और आलू गोश्त खा के ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर में खाना खा रहे हैं, बिल्कुल घर वाला माहौल है भाई। माशाल्लाह हमारी हलीम आ चुकी है, और हलीम आप चेक कर सकते हैं, ये देखें आप, वाह
ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है ये देखें, क्योंकि हलीम आपको पता है हम लोग मुहर्रम में ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हलीम वैसे भी आपको खानी चाहिए अगर हलीम अगर ज़ायकेदार है। ये देखें मैं आपको हलीम खा के बताता हूँ। सबसे पहले हलीम खाने के बाद आप देखें हलीम के साथ इसके ये होते हैं लवाजमात, ये लाजमी डालने होते हैं। लीमू आपको निचोड़ना होता है ऊपर से, क्योंकि इन्होंने अपना जो कारोबार शुरू किया था वो एक छोटे से ठेले से स्टार्ट किया था, उसके बाद माशाल्लाह ये आज 6 मतलब इन्होंने एक घर ले लिए हैं अपने 120 गज के। और मैं आपको हलीम खा के बताता हूँ कि ये हलीम वगैरह कैसी है। माशाल्लाह भाई ये देखें ज़बरदस्त किस्म का है, वाह भाई वाह भाई बहुत ज़बरदस्त है भाई, कमाल जायका है। अगर आप सहरी करने के लिए आना चाहते हैं तो सुमनाबाद में आ जाएं, मज़ेदार पर सहरी करें यहाँ पर। वैसे भी कराची में गेस्ट की होती है लोड शेडिंग, तो उसके अलावा अगर आप चाहते हैं बाहर कोई अच्छा खाना खाना तो यहाँ सकते हैं। आसान उसका एड्रेस है पेडल भी एरिया, इधर कैफे प्यार से आएंगे उल्टे हाथ पे आपको यहाँ तो गूगल लोकेशन भी डाल देंगे तो आपको यहाँ पर आराम से आपको एड्रेस मिल जाएगा। वीडियो को हमारी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।